तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि MSME सर्टिफिकेट जो कि कंपनीज निकालती हैं, वो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ते हैं वो क्या क्या देने पड़ते हैं। दोस्तों, उसके पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया है MSME के फ़ायदे जो हैं, उसके सर्टिफिकेट के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप वो देखेंगे। दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, MSME सर्टिफिकेट के लिए जो आपको निकालना है डॉक्यूमेंटेशन आपको देने हैं इस प्रकार हैं। इसमें आपको उनका कंपनी का जो नाम है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो आपकी कंपनी का नाम है वो आप उसमें दे सकते हैं। पार्टनर्स के नेम्स से उसमें दे सकते हैं। जो आपका एड्रेस है वो आपको देना है, जो एड्रेस जो आपका ऑफिस है वो देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, आधार कार्ड की एक कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, कंपनीज के अंदर जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, मेल्स हैं फीमेल्स हैं उसकी डिटेल कितने हैं वो नंबर्स, इन्वेस्टमेंट इन लैक्स, जो आपका इन्वेस्टमेंट है लैक्स में कितना है वो आपको बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है, सोशल कैटेगरी जनरल SC ST OBC। और दोस्तों, 15 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे है, डिड यू फाइल IT रिटर्न्स फॉर 2018 और 2019 ITR 1234, तो आपको इस पर बताना है। दोस्तों, आप ITR फाइल करते हैं तो डिटेल देनी है अपने को। डिड यू फाइल GST, आपको उसका रिप्लाई देना है GST, अगर आपका हाँ है तो इसको आपको देना है डिटेल। दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है ये MSME। अगर आप MSME के सर्टिफिकेट आप निकाल देते हैं, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, फ़ायदे जो हैं मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप वो प्लीज़ देख लीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाए इस डिटेल जो आपको देनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।